हेलो फ्रेंड, तो चलिए हम चलते हैं आज परसेंटेज की तरफ। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से आज फिर मैं बताऊंगा आपको। वीडियो में बने रहिए यार, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वो भी पढ़ पाए। और हाँ, एक अरे आपका एक कमेंट हो सकता है कि सर आप ये वीडियो इतना एक ही सवाल दो ही सवाल में आप इतना लंबा क्यों बनाते हैं, ताकि ये आपको जो मैं बनाता हूँ समझ में अच्छे तरीके से है। ये नहीं कि अब मैं डायरेक्ट काट दूं, आप कहेंगे कि अरे यार ये तो सही नहीं पढ़ाते सर। तो चलिए आप बने रहिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए थे तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? अब इसमें पूछा क्या है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, और दूसरी बात यह है वो 41% मत से कि वो प्राप्त किया। ठीक है, वो हाँ उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार 41% मत प्राप्त किए थे। जो हार गया वो कितना वोट प्राप्त किया था? मत 41%। अब इसमें देखिए, जब से जीतने वालों को संख्या नहीं निकालेंगे तब से ये कुल संख्या नहीं निकलेगी। तो चलिए माना कुल मतों की संख्या बराबर कुल मतों की संख्या बराबर क्या है? एक्स, तब क्या हो जाएगा? इसको हम एक्स को क्या मानते हैं फ्रेंड? 100 मानते हैं ना। 100 मान लिए तो 100 बटे क्या हो गया? 100 हो गया। अब ठीक है, अब हमें क्या मतलब की जानना है, जीतने वालों की संख्या कि वो कितने मत पाए थे। तो हो गया 41/100 हो गया। ठीक है, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 41 हो गया तो फ्रेंड आपका हो गया 59। अब ये देखिए, ये हर बराबर है तो क्या करेंगे हम इसको लिख लेंगे। तो आपको देखिए 41% ये क्या है? हारने वाले उम्मीदवार मत ये कितना पाया था? 41%। जीतने वाले उम्मीदवार मत बराबर कितना है इसका? 59%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड? कुछ नहीं करना है। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा? 59। अब ये क्या है? 59 हम ऐसे लिख दिया भाई, लेकिन आपको इसको समझना परसेंट। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, 41% को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? 18। अब ये क्या है? 18 मतलब कि परसेंट है। अब परसेंट है यानी कि ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, 18/100। अब इसके बराबर क्या आ जाएगा? इसके बराबर क्या है? 5580, यानी कि जो हारा यानी कि ये 18% यानी कि 5580 ये मतों से क्या हुआ, हार गया था। अब तो हम क्या करेंगे, 5580 हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे फ्रेंड, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये क्या होगा, जब ये इस तरफ चला आएगा, हम यहाँ कर देते हैं 5580 गुणे रेसिप्रोकल में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, तो 100/18। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 क्या 18, अब इसका क्या हो जाएगा? 18 3 54 हो गया। 18 क्या 18, अभी क्या हो गया? 0 हो गया। इसमें हम डायरेक्ट गुणा करते हैं तो क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। अब 31 से क्या 31, आपको ये कितना हो गया? 31,000। ठीक है, कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 31,000 आपका ये हो गया आंसर। ये क्या है आप पूछेंगे ना कि सर ये क्या है, 31,000 डायरेक्ट 10? नहीं, कुल मतों की संख्या। अतः कुल मतों की संख्या बराबर 31,000। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए थे। ठीक है, कुल उम्मीदवार थे, ठीक है, कुल वैध मत 55% प्राप्त किए थे तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या
संख्या 75 100 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए थे। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फ्रेंड, 20% क्या है, अवैध मत, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अवैध मत बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुल मत को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7500 गुणे 20% का हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 20/100। बहुत ही सिंपल, ये इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है। अब ये कितना बचा, अब ये हो गया आपका 1500, ठीक है। 5 दूना के 1 जीरो यहाँ पे होगा, 2 5 10, 2 7 14 15, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1500। अब इसको हम क्या कहेंगे, अवैध मत, क्या है, अवैध मत, ठीक है। क्यों है, क्योंकि मैं इसको ये अवैध मत का तो निकाल ही रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7500 माइनस, अब क्या है, अवैध मत क्या है, 1500। जब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6000, क्या हो जाएगा, 6000। ये क्या है, वैध मत, हम इसको क्या लिखेंगे, वैध मत, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये अवैध का हो गया, अब हम निकालने जा रहे हैं वैध, वैध मत बराबर। अब वैध मत ये क्या है, 6000, 6000। अब किसका निकालने जा रहे हैं हम, 55% का, कितना मतलब कि किसका निकालने हैं, 55% का, तो 55 गुणे, अब ये 55/100, ठीक है, ठीक है, 1000 हो गया। अब चलिए ये इसे कैंसिल हो गया, अब ये क्या बचा आपका, 60 बचा। अब देखिए 0 हो गया यहाँ पे, 5 6 का आपका 30 हो गया, ओके 0 हो गया आपका यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसे गुणा कर लेते हैं, ठीक है, छः बचे आपका 30 हो गया, फिर 6 बचे 30 3 33, यह हो गया आपका 2500, 3300, यानी कि आपके यहाँ पे क्या हो गया, 3300। मैं आपको इसलिए ऐसे बताता हूँ ना कि ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हों ये उनको भी समझ आ जाए, ठीक है। अभी क्या है, 3300 आपका क्या हो गया, वैध मत, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो बन रही है, हारने वाले कुल, हारने वाले उम्मीदवार की कुल वैध मत बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, वैध मत बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, 6000, ठीक है, 6000 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब माइनस हम क्या करेंगे, 3300, ठीक है। अब आपका ये क्या हो गया, 2700 आ जाएगा, टोटल क्या आ गया, अरे अतः अब ये पूछा क्या है, अतः कुल वैध मतलब कि ये क्या पूछ रहा है, उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए थे, अतः ये आपको क्या हो गया, 2700, ये क्या है, वैध मत, क्या है, वैध मत बराबर, वैध मत बराबर आपका क्या हो गया, 27 आपका ये हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू।